दोस्तों ये 2.5-3 मिनट की वीडियो आप लोगों को काफी फेमस कर सकती है। ये वीडियो आप लोग तभी देखना जब आप लोग अपने डॉग्स को या खुद को फेमस करना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप लोग भाई शॉक्ड हो जाओगे। वैसे इतना सुनते ही काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ गया होगा कि यार मंजीव वीडियो को देखकर हम लोग कैसे फेमस हो सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप लोगों के पास टॉप क्वालिटी के डॉग्स है ना भाई, तो वो आप लोगों को काफी फेमस कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग डॉग शोज के शौकीन है ना, तो फिर तो ये आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि आज जो डॉग ब्रीड मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये काफी क्यूट सी है, बट भाई काफी तगड़ी क्वालिटी है, क्योंकि भाई इसके फादर और मदर दोनों ही डायरेक्ट इम्पोर्ट हैं और पपीज बिल्कुल शो क्वालिटी के हैं। जय गाइस, हमारे मोस्ट ऑफ द डॉग्स ब्रीड की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं सिट्ज़ू के बारे में। और अगर ये सुनते ही आप लोगों को लग रहा है कि पपीज काफी एक्सपेंसिव होने वाले हैं और आप लोग वीडियो को स्किप कर रहे हैं, तो भाई यहीं पर आप लोग गलती कर रहे हो, क्योंकि जिस प्राइस में आप लोग नॉर्मल सिट्ज़ू को परचेज कर रहे हो ना, उसी प्राइस में आप लोग को ये इम्पोर्ट लाइन के पपीज मिल जाएंगे। और हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पपीज हैं भाई ये केसी रजिस्टर्ड हैं, बट यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही ऑफर्स मिल जाते हैं। आई मीन आप लोग इन्हें पेपर्स के साथ भी परचेज कर सकते हो और विदाउट पेपर्स भी, और इस चीज में आप लोगों को काफी डिफरेंस मिलेगा इनके प्राइस को लेकर। तो गाइस, मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर आप लोगों ने सिट्ज़ू को लेकर कहीं पर डील कर रखे हैं, तो भाई आप लोग उसे कैंसिल करके इन पपीज को परचेज कर लो, क्योंकि भाई ऐसी क्वालिटी आप लोगों को बार बार नहीं मिलती और पपीज प्रॉपर मार्किंग में है, जिसे हम लोग गूगल मार्किंग कहते हैं। आई मीन जो आप लोगों को इन पपीज की आंखों पर ये चश्मे के निशान दिख रहे हैं, ये इस ब्रीड की सबसे परफेक्ट मार्किंग मानी जाती है। और गाइस, फेमस होने का तरीका कुछ ऐसा है कि ओनर का कहना है कि भाई इनके जो पेरेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी डॉग शोज में विनर रहते हैं और लाइनअप भी। तो अगर आप लोग इन पपीज को परचेज करके डॉग शोज में पार्टिसिपेट कराते हो, तो काफी ज्यादा चांसेस है इन पपीज के भी विनर होने के। तो गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है इन पपीज के फादर, जो कि अल्टीमेट क्वालिटी के हैं और ये डायरेक्ट थाईलैंड इम्पोर्ट है। वैसे इसकी मैं आप लोगों को कुछ और फोटो वीडियोस दिखा देता हूँ। तो गाइस, पपीज के फादर की क्वालिटी तो फैबलेस है। तो फिलहाल जो आप लोग देख रहे हैं ये है इन पपीज की मदर, जो कि डायरेक्ट रशियन इम्पोर्ट है और भाई ये भी अल्टीमेट क्वालिटी में है। तो गाइस, अब बात करते हैं पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में, एंड आई एम श्योर आप लोग भी काफी एक्साइटेड होंगे कि यार इन पपीज का प्राइस क्या होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें, तो ये टॉप क्वालिटी पपीज 50 डेज के हो चुके हैं और ओनर की जो लोकेशन है वो है फिरोजीपुर कैंट पंजाब से। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इन पपीज पर डिलीवरी ना मिले तो ये तो नाइंसाफी होगी। जी हां गाइस, पपीज पर आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी मिल जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। बट मैं प्रेफर करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो डिलीवरी को अवॉइड करके डायरेक्ट ओनर को विजिट करके इन पपीज को परचेज करो, तो आप लोगों के लिए सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं इन पपीज के प्राइस के बारे में। तो ओनर के पास टोटल 3 पपीज अवेलेबल हैं, जिसमें से 2 मेल और 1 फीमेल है। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने सभी का प्राइस सेम रखा है। तो अगर आप लोग इन्हें पेपर्स के साथ परचेज करना चाहते हैं, तो उन्हें जो प्राइस की डिमांड की है वो है 25,000 पीस, 25,000 रुपए। बट भाई अगर आप लोग विदाउट पेपर्स परचेज करते हो, तो उस सिचुएशन में ये आप लोगों को जस्ट 16,000 पीस यानी 16,000 रुपए में मिल जाएंगे। तो भाई प्राइस में काफी डिफरेंस है। तो अभी ये डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। बाकी अगर पपीज की क्वालिटी और ये वीडियो पसंद है, तो यार वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय।